बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप लोगों का होममेड कुकिंग विद नाना फूड में। तो अगर आप लोगों के पास कच्चे सेब और साथ में पुदीना है तो ये जूस आप लोगों के लिए आप ज़रूर इसे ट्राई करें। मैंने इसे ट्राई किया, यकीन जाने इतना यम्मी एंड टेस्टी बना हुआ था कि क्या ही बात है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे मैंने ले लिए हुए थे ये सेब, ठीक है। इनको मैंने कट करके रखा हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने सारे सेब जो है ना इसमें ब्लेंडर में ऐड कर दिए हैं, ठीक हो गया। और ये 3 से 4 सेब थे। अब इसके साथ ही हम लोग इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे पुदीना है, जो फ्रेश पुदीना माशाल्लाह से देखे मैंने इसको ऐड कर दिया। उसके साथ ही मैंने इसमें बर्फ़ जो है आइस क्यूब उसके ऐड कर दिए, ठीक है। और ये इससे बहुत ठंडा ठंडा बनता है, बड़े मज़े का बनता है। इसके साथ ही मैंने 7 अप की बोतल जो है वो ऐड कर दी है, ठीक है। हाफ़ 7 अप की बोतल जाएगी और हाफ़ उसके पानी जाएगा, ठीक है। देन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे ये जो ब्लैक सॉल्ट जो है, ठीक है, काला नमक जो है उसके 1 चम्मच, तकरीबन 1 चम्मच जो है ना वो ऐड कर देंगे। इसमें चीनी जो ऐड जाएगी वो 3 चम्मच जो है ना वो जाएंगे, टेस्ट के मुताबिक आप जितनी करना चाहें कर सकें, ठीक है। अब जाएगा मेन चीज़ की, आ गई लेमन, ठीक है। ये एक मैंने इसमें पूरा ऐड किया हुआ था, सही है। अब यहाँ पे ये जो लेमन है ना ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। माशाल्लाह से देखें मैंने ये पूरा लेमन जो है ना वो ऐड कर लिया। तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने पानी जो है वो ऐड किया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं ब्लेंड, ठीक है। इसको लगाते हैं भाई रगड़ा अच्छे वाला, तो ये अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे देखें मैंने इसको ब्लेंड किया, आफ्टर लुक देखें इसकी, इतनी ये इतना ये थिकनेस बना हुआ था, इतना मज़े का ये बना हुआ था ना। एक मैंने जूस और भी आप लोगों के साथ मिंट मार्ट मिटा की रेसिपी शेयर की हुई है, ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैं ग्लास में सर्व कर रही हूँ। तो पुदीना तो वैसे ही हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो सेब है, सेब तो आप लोग जानते ही हैं किसके किस लिहाज से वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट भरे होते हैं। तो इस तरह के जूसेज जो है ना आपके हाजमे के लिए, हर चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, ये जिस बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, सही है। तो यहाँ पे मैंने इसका जो ऊपर थिकनेस था वो मैंने ऊपर ऐड कर दिया। देन जो है ना मैंने जो जैमिशीर है ना इसका थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। ये पूरा हमने ऐड नहीं करना, जस्ट टेक्स्चर देना, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे गिलास में मैं इसे ऐड कर रही हूँ। आप इसे मेहमानों को सर्व करें, इफ्तारी में इसको इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ज़्यादा यमी शरबत है, ठीक है। ये जूस जो है ना बहुत मज़े का बना हुआ है, ठीक है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको फैला रही हूँ, ये जैमिश्री का जो मैंने बनाया हुआ था ना ऊपर, तो ये मैं इसको फैला रही हूँ, ठीक है। ऊपर हम पुदीने के पत्ती जो है ना वो मैंने दोनों ग्लासेस में रख दी थी। तो यहाँ पर देखें मेरा ये जो जूस है इसको ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको मैंने डिश आउट में ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसकी लुक देखें कितना अमेजिंग लग रहा है। ऊपर से मेरे ग्लास भी उस तरह के थे, तो बिल्कुल एक यूनिक स्टाइल लग रहा है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपने बनाया और कैसा लगा आप लोगों को। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।